नाज़रीन में वो कार्य मंदर आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आपने सुना होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक तस्वीर जो है वो एक पूरी फिल्म पे भारी पड़ जाती है और एक तस्वीर जो है वो एक किताब से ज़्यादा भारी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर कंटेंट एक स्टिल फोटो के अंदर इतना कंटेंट होता है कि आप उसको एक घंटा भी घूरते रहें तो उसकी जहतें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। एक तस्वीर आजकल गर्दिश में है, आपने देखी होगी स्नो लेपर्ड के हवाले से सोशल मीडिया पे, जिसमें हंट की तरफ स्नो लेपर्ड जो है वो बढ़ रहा है और वो जो तस्वीर है उसके अंदर अगर आप देखें कि उसका जो फ्रेम है, उसका जो पस मंज़र है बर्फ़ानी, और फिर जो स्नो लेपर्ड जो बर्फ़ानी चीता है उसके जो चेहरे के तस्वुरात हैं, आप उस तस्वीर के अंदर बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गुम हो जाते हैं। और जो तस्वीर जिसने खींची है उनका नाम कामरान सलीम है, पाकिस्तान के माने हुए वाइल्ड फोटोग्राफर हैं और वो हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। मुझे ये बताएं कि ये जो तस्वीर है, ये जब आप जा रहे थे स्नो लेपर्ड की, एक तो पहले आपने मुझे कहा सर्दी से मेरा कोई अमूमी इतना कोई अच्छा ताल्लुक हमेशा रहा नहीं है और फिर जो -30-40 बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ये तस्वीर जो है आपको खींचने में कितना टाइम लगा, यानी कि आपका वो पूरा जो टूर था वो कितना था? पूरा टूर नहीं, इसके पीछे पूरी एक एग्जैक्टली वो तो कर बैकग्राउंड, जब से हम कोशिश कर रहे हैं कोई डेढ़ साल से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा था इसके, मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहा था इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे मैं बेस्ट तस्वीर ले सकता हूँ, होशे में हो सकती है या रोंदू की जो सामने वो दरिया के पार जगह है जहाँ पे अब आपको स्टोर मारहोर नज़र आ रहा है वहाँ पर भी इसकी साइटिंग हो रही है, या मैं चित्राल जाऊँगा तो या हुजराब जाऊंगा, तो ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर रहा था जी 1.5 साल से। फिर मैंने इसके लिए कोई 4-5 विजिट किए, ठीक है, तो इस दौरान मुझे मिले स्नो लेपर्ड तकरीबन 6 के करीब मैंने स्नो लेपर्ड देखे। तो इस तरह अब ये जो लास्ट ये हमें स्नो लेपर्ड मिला अपने हंट के साथ, तो ये हमें कुछ अच्छी तस्वीर मिल गई। ये कहाँ से मिली? ये हमें मिली हुजराब नेशनल पार्क में। अच्छा, खुजराब। तो ये जो खुजराब नेशनल पार्क में आपका स्टे कितना था, कितना क्याम किया आपने वहाँ? तकरीबन हम वहाँ पे कोई 12-15 दिन हम वहाँ पे ऊपर पोस्ट पे थे। और टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर चल रहा था तकरीबन -30-35 के करीब ये चल रहा था। तो ये जो तस्वीर है ये एक्चुअली वो शिकार कर चुका था और अपने ही शिकार की तरफ आ रहा है, या क्या है ये, इसका पीछे पूरी स्टोरी क्या है इसमें? आप कितनी दूर बैठे हुए हैं इसमें? कहानी ये है कि और मुझे सिर्फ स्नो लेपर्ड है ना वो एक बात सिर्फ कह रहे थे कि मुझे ऐसे उसमें लगता है जैसे अगर आप उसमें फोटोग्राफर हैं, आप तस्वीर खींच रहे हैं, तो मुझे तो इस तरह लगता है कि स्नो लेपर्ड जो है वो ये कह रहा है कि ये तो मैंने मार दिया ना, तो नेक्स्ट जो है वो आगे वो फोटोग्राफर है। तो इसके पीछे कहानी क्या है सारी, ऐसा लगता है? देख, सबसे पहले तो मैं इसी बात का आपका जो छोटी सी बात आपने अभी की थी उसका जवाब दूंगा कि हमें बड़ा एक मीडिया हमारा या लोग हमारे कि इनके बारे में एक है कि ये शायद बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक जानवर हैं। मुझे काफ़ी अरसा हो गया वाइल्ड लाइफ पे काम करते हुए, मैं कोई ऐसा जानवर नहीं जो इंसान पे अटैक करे। ये अटैक तब करता है जब आप उसकी एक खास लिमिट से आगे उसको क्रॉस करते हैं, या कोई माँ है बच्चों के साथ तो वो आप पे अटैक करेगी, तो अदरवाइज वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो कोई बिल्कुल अटैक नहीं करते। और बल्कि पाकिस्तान में तो जितने जानवर हैं ये सब इंसान से डरते हैं बेचारे। साल हा साल से हमने इनको मार मार के इनको इनकी मेमोरी में ये डाल दिया हुआ है कि सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। तो वो आपका वो ब्राउन बेयर है, वो आपको मीलों दूर से सूंघ, उसकी आपकी खुशबू भी आए तो वो भाग जाता है। स्नो लेपर्ड भी दूर से जब आपको देखता है तो वो बेचारा सिमट जाता है कि यार ये मुझसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। तो ये इसने हंट किया और हम इसी तलाश में थे काफी अरसे से, क्योंकि आते जाते हुए आपको स्नो लेपर्ड नजर तो आ जाता है दूर से, किसी पहाड़ी से किसी दूर जगह से गुजर रहा है, लेकिन ये इतना फास्ट मूव कर रहा होता है और फिर इसका एरिया इतना बड़ा है, जैसे वो तकरीबन 6000 मुरब्बा किलोमीटर में ये मूव करता है स्नो लेपर्ड, तो उसमें आपको इसको फोटोग्राफ करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको इसका कोई हंट मिल जाए। तो ये मैं काफ़ी उस पर अटैम्प्ट कर चुका था हुजराब में, 10 दिन पहले एक दफ़ा रह के आया, महीने के लिए एक दफ़ा फिर पहले गया, अब ये भी हमारा कोई प्रोग्राम था एक महीने के लिए, लेकिन इसमें हमें कुछ 10-12 दिन में वो मिल गया, हंट उसका मिल गया। तो उससे ये होता है कि फिर आप अगले 4-5 दिन वो जब तक वो अपना हंट जो वो पूरी तरह खा नहीं लेता तो फिर वहाँ पे वो एक्टिविटी उसकी चलती रहती है और आपको एक थोड़ी सी श्योरिटी होती है कि ये यहाँ पे आएगा दोबारा। तो ये इसने इसको गिराया ऊपर एक पहाड़ से नीचे गिराया,
तो ये नीचे गिरा है क्योंकि ये इतना बड़ा मारहोड़ था कि इसको वो शिकार कर नहीं था सकता डायरेक्ट। ये काफी बड़ी तकरीबन 30 इंच की वो ट्रॉफी थी, तो ये ऊपर इसने ड्रा के उसको पहाड़ से नीचे फेंका। जब ये नीचे गिरा है तो ऑब्वियसली मेरे पास तस्वीरें तो सारी, एक पूरी फिल्म है तस्वीरों के थ्रू कि वो जब गिरा है उसकी क्या कंडीशन अच्छा थी, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है ना घिसड़ता हुआ वो पानी तक पहुंचा है, फिर स्नो लेपर्ड आया, फिर उसने उसको जो भी उसके वो होता है वो करने वाले। और ये जो तस्वीर खींचते वक्त आप कितनी दूरी पे? मैं जैसे दरिया, और आपको पता हंजाम में को दरिया इतना बड़ा भी नहीं है, दरिया के एक किनारे पे ये था, दूसरे किनारे पे मैं बैठा हुआ था। जी, और ये तकरीबन वो हंट जो उसने किया हुआ था वो 3-4 दिन उसको लगे? तकरीबन 4-5 दिन हमें लगे, 5वें दिन वो उसने वो तकरीबन पूरा खत्म कर लिया हुआ था। फिर उसके बाद आपकी तरफ भी उन्होंने वो देखते होंगे यकीनन। स्नो लेपर्ड तो हर वक्त उसको पता है, हम वहाँ पे हाइड, हम अगर एक हाइड में भी बैठे हुए तो उसको पता होता है ये बिल्कुल। लेकिन वो उसके उसने इतना बड़ा शिकार किया उसको छोड़ के तो नहीं जाएगा। इस तस्वीर को आपने किसी आलमी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या मुख्तलिफ इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कहीं भेजे? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है। वो आपको वैसे बता भी दें, वो कोई इंटरनेशनली हम कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहे पाकिस्तानी, वो हमसे बहुत बेहतर काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। जो फ्रांस का एक फोटोग्राफर है विंसेंट, उनकी कमाल किताब है, उन्होंने कोई 9 या 9 साल लगाए हैं, तिब्बत के नाम से उनकी ना एक किताब है, आप इमेजिन नहीं कर सकते जैसी उसमें तस्वीर है। बहुत शुक्रिया अमरान भाई, और नाज़रीन आपने तस्वीर देखी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। बकौल का अमरान सलीम, अगर उनकी इस बात को मद्देनजर रखूँ तो चले आपका जो तवज्जो है वो हंट पे ना भी हो तो वो जो सामने आ रहा है उसके जो एक्सप्रेशन हैं, तासुरात हैं स्नो लेपर्ड के चेहरे पर, वो क्या खूबसूरत है, और क्या एक पूरा जो जो फ्रेम है उसमें आप देखेंगे कितनी जुज़ियात है। और बस हमारी दुआ है कि इस तरह के काम करते रहें और हमें बहुत खूबसूरत तस्वीर जो हैं वो मिलती रहें। देखते रहिए माइंड।